यूपी के ललितपुर जिले से एक और मामला सामने आ रहा है। पुलिस पर आरोप है कि यहाँ के मेहरौनी थाने के पुलिस कर्मियों ने एक महिला पर चोरी का आरोप लगाकर बंधक बनाया और फिर नंगा करके रात भर पीटा। आरोप है कोतवाली में कार्यरत मुंशी अंशु पटेल ने अपनी पत्नी और एक महिला सब इंस्पेक्टर पारुल के साथ मिलकर एक खाना बनाने वाली महिला के साथ इस काम को अंजाम दिया। इसके अलावा पुलिस पर यह भी आरोप है कि मामले को दबाने का प्रयास करते हुए पीड़ित महिला पर ही केस लाद दिया गया। घटना के बाद महिला अपने पति के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुंशी अंशु, उनकी पत्नी और सब इंस्पेक्टर पारुल के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक मेहरौनी थाना क्षेत्र के खरवांचपुर निवासी 30 वर्षीय पूजा ने एसपी ऑफिस में दिए प्रार्थना पत्र में बताया है कि वह बीते 14 अप्रैल की तारीख से मुंशी अंशु पटेल के यहाँ खाना बनाने और घर सफाई का काम करती थी। 2 मई की सुबह उन्होंने खाना बनाया और घर लौट आई। शाम हुई, पूजा वापस काम पर पहुंची तो अंशु पटेल की पत्नी ने अंशु को फोन लगाकर बुला लिया। अंशु पारुल चंदेल नामक सब इंस्पेक्टर के साथ घर पहुंचा। पूजा पर चोरी का आरोप लगाया गया। आरोप है कि रात 8 बजे से बिजली बंद करके पूजा को पीटना शुरू किया गया। उसके कपड़े उतार दिए गए और उस पर बार बार पानी डाला जाता रहा। महिला ने आरोप लगाया कि इसके बाद उसके पति महेश नामदेव को बुलाया गया और थाने में बंद कर दिया गया। इधर महिला की पिटाई जारी रही, चोटें आईं, हालत गंभीर हुई। पति और पत्नी पर विवाद बताकर शांति भंग करने का आरोप लगाया गया। धारा 151 में चालान कर दिया गया। पीड़ित महिला ने यह भी कहा कि उसके परिजन उसे छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पिटाई कर रहे पुलिसकर्मियों ने कोई राहत नहीं दिखाई। आज तक से बातचीत में पूजा के पति महेश नामदेव का कहना है कि उनकी पत्नी पूजा नामदेव ने कोई चोरी नहीं की है, उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। उनके साथ पुलिस वालों ने मारपीट की है, क्योंकि इंजाम में फंसाया गया है मेरी पत्नी को चोरी के किसी को जाके कहने पर, और मेरी पत्नी को निर्वस्त्र होकर कोतवाली में मारा और घर में चेक्की मारा मेरी पत्नी को अंशु पटेल ने और पारुल चंदेल और एक और कोई ऑफिसर था कुलदीप, कोई कुलदीप नाम का था, उसने भी मेरी पत्नी पर चढ़ चढ़ के मारा है। अच्छा, ये सब लोग कौन हैं? ये सब मेहरौनी कोतवाली में सर्विस करते थे, पुलिस वाले हैं। कोई कार्रवाई की आप लोगों ने शिकायत के अधिकारियों से? क्या हुआ कार्रवाई? जब सुनवाई नहीं हुई मेरी तो फिर इन्होंने 151 लगा के पति पत्नी का झगड़ा बता के और मेरे पति पत्नी का झगड़ा बता के और कैसे में जाके और क्या बोलते जमानत करवा दी। घटना के बाद राज्य महिला आयोग की सदस्य कंचन जायसवाल ने भी महिला से मुलाकात की। थाना एक वो केंद्र है जहाँ पे की पब्लिक के लिए वहाँ एक फ्रेंडली व्यवहार के तहत में अगर वहाँ कहीं कोई शिकायत करता आता है तो पुलिस उसको साथ में इस तरीके की कहीं अभद्र घटना नहीं कर सकती है। ये कोई बायलॉज में नहीं है और कहीं कोई कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि कानून के अगर रक्षक हैं और इस तरीके की महिला के साथ में मारपीट करने लग जाएं और अगर उन्होंने ये कृत्य किया है तो निश्चित रूप से वो दोषी है। घटना का दोष सिद्ध होते ही उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी ने मामले का संज्ञान लिया, तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, साथ ही तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इस मामले में एडीजी जोन भानु भास्कर ने आज तक से बातचीत में कहा कि पाली थाने में रेप और मेहरौनी थाने में महिला पिटाई के दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रेप के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। साथ ही पाली और मेहरौनी थाने में सीसीटीवी कैमरों के खराब होने की भी जांच की जाएगी। इससे पहले बीते अप्रैल महीने की 27 तारीख को पाली थाने के एसएचओ पर 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ थाने में रेप करने का आरोप लगा था। एसएचओ तिलकधारी सरोज सहित 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376, 376 बी, 120 बी, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था। सरोज पर केस दर्ज होते ही वह फरार हो गया था। आरोपी की तलाश में 4 मई को कौशंबी, प्रयागराज और बांदा के छापेमारी की गई थी, जिसके बाद एसएचओ को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया था।